आलोक आलोक आलोक, तुम जानते नहीं बेटा, तुम मेरे लिए क्या हो, इस समाज के लिए क्या हो बेटा। तुम्हें समाज के लिए मटन नहीं बल्कि एक जीता जागता जीव हो जिसे जीने का पूर्ण अधिकार है। हाँ बेटा, लोगों ने तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या बातें की। मम्मी ने तो तुम्हें एक सेक्स ऑब्जेक्ट बना दिया, एक मिठाई के लिए मुझे प्रोस्टिट्यूट और तुम्हें सेक्स ऑब्जेक्ट बना दिया। और पापा ने कहा कि जब मैं 2-3 बार यहीं आती हूँ तो फिर यहीं रहूँ, यहीं मेरा घर है। मैं यहाँ कैसे रहूँ, जब मेरा यहाँ एक ताली का भी घर होता ना तो हम यहाँ रह सकते थे, लेकिन यहाँ कोई रहने का तो ठीक नहीं है, नहीं तो हमको उस घर का भी मोह नहीं है। मैं यहाँ आती हूँ इसलिए क्योंकि उस घर में रहे बिना मैं तुम्हारी भी देखभाल नहीं कर पाऊंगी बच्चे, संसाधन भी तो होना चाहिए ना। कैसे जुगाड़ करूं मैं सब कुछ, बोलो। और मम्मी ने तो हद कर दी, तुम्हें गाली दे दी कि तुम मेरे पेट से जन्मे हो क्या, तुम्हारे मतलब पीछे भूसा भर के दे देंगे, ये सब कहा मम्मी ने। और यहाँ तक, हालांकि वो मेरी सौतेली माँ है, और एक मिठाई के लिए उसने तुम्हें सेक्स ऑब्जेक्ट और मुझे प्रोस्टिट्यूट बना दिया, यहाँ तक कि ये कहा कि हम तो मतलब अंकल के साथ संभोग करते हैं या सेक्स करते हैं, या फिर मेरा अंकल के साथ कोई चक्कर है, ये सब गंदी गंदी बात कही अपने अहंकार के चलते, अपने गुस्से के चलते, और भी न जाने कितनी बातें सुननी पड़ी है मुझे समाज में, मतलब समाज से लेकर के मेरे अपनों तक ने मुझे कितनी प्रताड़ना दी है, लेकिन वो सब मैं झेल गई। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए बच्चे। मेरा आलोक लगता है सो रहा है। आलोक, सिर्फ मिठाई का ही बात नहीं है आलोक, कई बार बिना मिठाई के भी अपने मतलब अहंकार को संतुष्ट करने के लिए भी अपने गुस्से में मेरी सौतेली माँ ने तुम्हारा बार 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 अपमान किया। यहाँ कहा कि तुम्हारे मतलब पिछवाड़े में भूसा भर देंगे एंड ऑल दैट।